आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 0% डाउन पेमेंट में भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, और क्या हर कोई ईएमआई प्रोसेस से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं ईएमआई में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। Hey guys, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 0% डाउन पेमेंट में भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम जानने वाले हैं कि अगर आप ईएमआई प्रोसेस में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या उसमें इंटरेस्ट पड़ता है, अगर पड़ता है तो कितना इंटरेस्ट पड़ता है, और क्या हर कोई ईएमआई प्रोसेस से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है, और अगर करवा सकता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखना सभी के लिए जरूरी है जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं और ईएमआई प्रोसेस अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो चुका है। अगर हम बात करें 10 साल पहले की तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। उस समय हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा होता था वो शुरुआत ही 2-3 लाख रुपए से होता था, जिस वजह से ये आउट ऑफ द बजट ज्यादा था मैक्सिमम लोग है। मतलब आज भी 2-3 लाख बड़ी बात होती है, तो आप 10 साल पहले इमेजिन करिए 2-3 लाख कितनी बड़ी बात हुआ करती थी, राइट। तो उस समय हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना अफोर्डेबल होता ही नहीं था जनरल लोगों के लिए, इसलिए उस समय बहुत कम लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इतना ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है कि ट्रांसप्लांटेशन आज की डेट में 30,000 रुपए से शुरू हो जाता है, और इसीलिए काफी ज्यादा लोग आज की डेट में अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में कंज्यूमर्स इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि कोई भी अपनी लिक्विडिटी खत्म नहीं करना चाहता, राइट। हर कोई यही चाहता है कि उसको एक साथ इतना बड़ा अमाउंट ना देना पड़े, जबकि उसके पास वो अमाउंट होगा लेकिन वो देना नहीं चाहता एक साथ। वो चाहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस वो ले रहा है उसमें उसको इंस्टॉलमेंट में, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट में देना पड़े तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और इसी डिमांड को देखते हुए आज की डेट में सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज ईएमआई में अवेलेबल है। लग्जरी कार से लेके और स्मार्ट वॉच तक आज की डेट में हर चीज ईएमआई में अवेलेबल है। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपने भी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज ईएमआई में परचेस की ही होगी। और अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो लगभग आज से 5-6 साल पहले ईएमआई में ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ करता था, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम क्लिनिक्स ऐसे थे जो ईएमआई में प्रोसेस करते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थे और वहां पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं ईएमआई प्रोसेस में होता क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हो तो आपको उसका पूरा प्राइस एक साथ नहीं देना पड़ता, आपको बस एक छोटी सी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, राइट। अब इंस्टॉलमेंट 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 कि आपने डाउन पेमेंट कितनी भरी है, राइट। जितनी कम डाउन पेमेंट उतनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट, राइट। दूसरी चीज जिस पे इंस्टॉलमेंट डिपेंड करती है वो है आपका टेन्योर, आपने कितने साल के लिए लोन लिया, राइट। जितने कम टाइम के लिए आप लोन लोगे उतनी ज्यादा आपके लिए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जनरली अगर मैं बात करूं तो जो ईएमआई का टेन्योर होता है वो 12 महीने से लेके 3.5 से 4 साल तक होता है, राइट। मतलब अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो आप इंस्टॉलमेंट 12 महीने से लेके 3 से 4 साल तक पूरी कर सकते हो। कुछ लोग 12 महीने वाला प्लान लेते हैं जिसमें उनको 12 महीने में इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, राइट। कुछ लोग 3 से 4 साल वाला प्लान भी ले सकते हैं ताकि उनकी जो ईएमआई हो वो कम हो और उन पे बर्डन ना पड़े। और मैं आपको एक और बात आज की वीडियो में बता देता हूं जो आपको शायद ना पता हो और आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर किसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो वो क्लिनिक आपकी ईएमआई प्रोसेस नहीं करता। देखिए बेसिकली होता क्या है, आपके और आपके क्लिनिक के बीच में एक कंपनी होती है जिस कंपनी को बोलते हैं फाइनेंस कंपनी, जैसे कि बजाज फाइनेंस होगी और एक्स वाई जेड आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है। अब बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जिस दिन आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है क्लिनिक को आपकी सर्जरी का पूरा अमाउंट मिल जाता है। अब वो अमाउंट आप नहीं देते, वो अमाउंट वो कंपनी देती है जो आपके और क्लिनिक के बीच में होती है। एंड जो आप ईएमआई पे करते हैं वो क्लिनिक को पे नहीं करते, आप वो ईएमआई उस कंपनी को पे करते हो जिस कंपनी ने आपके बिहाफ में पूरी की पूरी पेमेंट करी है क्लिनिक को आपके सर्जरी।
सर्जरी डे में, राइट। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो आज की डेट में ऐसे भी क्लिनिक्स हैं जो 0% इंटरेस्ट में भी आपका ईएमआई प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। आपको 0% इंटरेस्ट में भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है यू नो फाइनेंस के लिए, कौन कौन एलिजिबल है ईएमआई प्रोसेस के लिए, हमें काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं सर मैं ईएमआई से ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता हूँ, अगर करवा सकता हूँ तो मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ईएमआई में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, और अगर मैं ईएमआई से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता हूँ तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट, मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ईएमआई प्रोसेस के लिए। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आज की डेट में इतनी सारी कंपनीज आ चुकी हैं कि वो स्टूडेंट से लेके, वर्किंग प्रोफेशनल से लेके, यू नो जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे लेके, और इनफैक्ट जो लोग जॉब नहीं करते उनकी भी ईएमआई प्रोसेस कर रहे हैं। आज की डेट में इतनी ज्यादा कंपनीज आ चुकी है, राइट, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ईएमआई की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। ये कोई बिजनेस लोन नहीं है 10-20 लाख रुपए का, या फिर ये कोई बहुत बड़ा लोन नहीं है 50 लाख का। ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कंपनी आपको विदाउट एनी कोलेटरल और आजकल विदाउट एनी इनकम डॉक्यूमेंट्स भी लोन देती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ईएमआई से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं। नंबर 1 इज योर आधार कार्ड, नंबर 2 इज योर पैन कार्ड, राइट, आपका जो पैन कार्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा, और नंबर 3 जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज मांगती है वो है आपका स्टेटमेंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल की, वो आपकी कंपनी मांगती है। ये होते हैं जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ऐसी कंपनीज भी आज के मार्केट में है जो विदाउट इनकम स्टेटमेंट भी फाइनेंस कर देती है, राइट। सो काफी कॉलेज स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता हूँ ईएमआई में? तो हाँ, बहुत कंपनीज हैं जो ईएमआई में भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकती हैं। आपको बस अपना पैन और आधार से वेरीफाई करवाना है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं। सो गाइस, ईएमआई एक ऐसी चीज होती है जो काफी ज्यादा बर्डन हमारा कम कर देती है जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे होते हैं, राइट। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी पहले ईएमआई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में मार्केट इतना बढ़ रहा है इंडिया में कि फाइनेंस कंपनीज अब इसमें भी ईएमआई ऑफर करने लगी है, जिससे पेशेंट्स को बर्डन नहीं पड़ता अगर वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, और उनको एक साथ इतना अमाउंट नहीं देना पड़ता, जिससे काफी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होगा ईएमआई से लेके, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।